गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। एज यूजुअल हम रोज जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये ब्लॉग पे कैप्चर करूं और आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊं। चलिए चलते हैं। मैं आप लोगों को चूहे का घर दिखाती हूँ। लुक, कितने बड़े बड़े चूहे यहाँ पे हैं। मतलब इतने बड़े चूहे तो शायद मैंने मुंबई में फर्स्ट टाइम आके देखा है। एंड दे आर सो बिग। आगे मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे डर लगता है। चलिए आगे उधर चलते हैं। जहाँ पे हम रोज वॉक के लिए आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अंकल्स हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। चलिए अंदर मैं आपको पार्क का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे लोगों के लिए जिम इक्विपमेंट्स बने हुए हैं जिस पे लोग एक्सरसाइज करते हैं। एंड यू नो ये योगा वगैरह के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। सो नेचुरल एंड पीसफुल। आई थिंक बर्ड्स के चिरपिंग की आवाज आपको ऑडिबल होगी। यहाँ पे इन फूलों की महक, ओ माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। एंड यहाँ पे लोग थोड़ी थोड़ी दूर में, लाइक सबके लिए इनफ स्पेस है कि लोग एक्सरसाइज कर सकें शांति से बैठ के, अपना एक स्पॉट लेके। सो आई जस्ट लव दिस प्लेस। नेचुरल हवाएं वो बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। जस्ट हैव अ लुक, इतनी ग्रीनरी, कितना प्यारा लगता है। लाइक वंस यू जस्ट वेक अप, मैं भी पहले नहीं उठ पाती थी, बट जब से मैंने उठना शुरू किया और वॉक पे आना शुरू किया, आई फील अमेजिंग। चलिए आइए मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे और ये जैसा कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे योग कर रहे हैं। And the best part is, I'll show you. Just have a view. ये जो आपको छोटे 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 दिख रहे हैं, ये इतने छोटे हैं नहीं जितने कैमरा पे दिख रहे हैं, बट दीज आर फ्लेमिंगोज, दोज पिंक बर्ड्स। आई मीन इतना प्यारा व्यू होता है। बेसिकली ये है तो एक नाला जैसा कुछ, बट बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे। जब भी आके फ्लेमिंगोस को देखो, अभी बहुत कम हो गया, वरना एक महीने पहले जब हम आया करते थे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हुआ करते थे। सो इट्स क्वाइट अ गुड थिंग कि हमें हर सुबह इतने प्यारे फ्लेमिंगोस देखने को मिलते हैं।
गाइज दिस वॉज ऑल इन माई टूडेज व्लॉग। एंड रही बात रूटीन की, तो यहाँ पे एक भैया बैठते हैं रोज जो कि आज आए नहीं है, तो हम रोज सुबह खाली पेट यहाँ पे आते हैं एंड इनके पास करेला लौकी बहुत सारी चीज़ों का जूस होता है, तो हम वो पीते हैं एंड ही जस्ट चार्जेस 20 रुपीज फॉर दैट। आप कोई सा भी जूस लीजिए, तो दैट्स अ गुड रूटीन आई फील। आप लोगों को भी कुछ एक पर्टिकुलर जूस पीना चाहिए। So, thank you. Bye-bye.